हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोमेटा में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपका कैमरा जो है आपके वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये क्यूआर कोड जो है आप बार बार इसके आमने सामने इस टाइप से कर रहे हैं, फिर भी जो है कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके वाईफाई से, तो आप किस तरीके से कुछ चीज़ें चेंज करके अपने कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है आप अपने कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको इसको पावर सॉकेट में लगाना पड़ेगा, इसके अंदर पावर देनी पड़ेगी, उसके बाद ये जो है अपने आप मूव हो जाएगा और ये प्रॉम्प्ट देगा कि वेटिंग फॉर वाईफाई इस टाइप से। ठीक है, आई थिंक इसमें मूव हो रहा है। I've already found waiting for Wi-Fi connection. तो इस टाइप से जो है ये बोलेगा वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन। ठीक है, अब मैं अपने ठीक है सुन लिया। अब यहाँ पर मैं ऐड डिवाइस करूँगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे अपना मॉडल नंबर सेलेक्ट करूँगा CP3P35। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट करके इस टाइप से कर लूँगा, यहाँ पासवर्ड डालता हूँ अपनी वाईफाई का, इस टाइप का ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर आपका जो फ़ोन जो है कनेक्ट है आपके 5 GHz वाली वाईफाई से, तो आपको क्या करना है, इसको स्विच करना है 2.4 GHz वाले पे। अगर आप यहाँ कंटिन्यू करें कर देंगे ना, तो जो है ये स्कैन कितना भी कर लो के सामने ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हम नेटवर्क है वो हमको चेंज करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से ये 35 को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट टैप किया और नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे जो है हम पासवर्ड डालते हैं, और इस टाइप का ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा। स्विच पे क्लिक करते हैं, स्विच पे करते ही देखिए ये 2.4 वाली जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, जो नेटवर्क आ रहे हैं, हमको इस वाले को कनेक्ट करना है। ये आपके राउटर से चेंज हो जाता है, ये मेरा सेम राउटर है और सेम राउटर पे दोनों आपको मिल जाते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो ये 2.4 GHz वाला जो है मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, लेकिन ये हुआ नहीं। इसको हम फिर से करते हैं, तो मेरा अच्छा नीचे से कन्फर्म ओके भी करना पड़ेगा। देखिए, तो 2.4 वाले GHz से जो है मेरा नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम करेंगे इसके लिए फिर से कनेक्ट। ठीक है, अब इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ये आपके सेम राउटर से चेंज हो जाता है, अगर आपके पास 5G राउटर है तो ये चीज़ दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसमें भी जो है आप इस टाइप से 2.4 पे भी अपने फिगर्स वगैरह सेट जो नेटवर्क है सेट कर सकते हैं। तो अब मैं देखिए इसके लिए स्कैन करूँगा तो ये हो जाएगा। देखिए, obviously the message of the app the wifi connection is successful divide that of the successfully तो अभी इसने जो है बता दिया हमको वाईफाई कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम जो है इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से और बैक जाते हैं। तो अभी हमारा ये डिवाइस जो है यहाँ पर आ चुका है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है कैमरा चालू हो चुका है। ठीक है, अभी देखिए उसके सामने ये फ्लावर रख देता हूँ, ये फ्लावर यहाँ पर आ गया। तो इस टाइप से जो है आप अगर आपके पास 5G राउटर है तो ये दिक्कत आ सकती है आपके लिए, तो इस टाइप से ये इशू आप फिक्स कर सकते हैं। इस कैमरे की हमने रिव्यू और जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो पूरी बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक वीडियो और हमने बना रखी है जिसमें आपको इसका जो ऐप आता है जिससे पूरा कैमरा कंट्रोल होता है उसका पूरा ट्यूटोरियल जो है बना रखा है, उसका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।